प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर एक कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है और इसके बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए गए हैं। मुख्यतः ये जेनेटिक होता है, पर बहुत बार इसके कॉज प्रिवेंटेबल होते हैं, मतलब कि इसको आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है। एक हाइपोथेसिस दिया गया है कि जब भी आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो आपकी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होती हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बहुत कारण से बढ़ सकता है, किसी बीमारी के कारण बढ़ सकता है, किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण बढ़ सकता है, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ के कारण बढ़ सकता है, ओवर एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट, उसके कारण भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप, उन सब के कारण भी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो कोई भी कारण हो, अगर बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होती है, जो कि आपके मेलेनोसाइट को डैमेज कर देती है, अर्ली डेथ हो जाती है मेलेनोसाइट की। और मेलेनोसाइट जो कि आपकी बॉडी आपकी हेयर को पिगमेंट देते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या करता है कि मेलेनोसाइट का एपोप्टोसिस कर देता है, एपोप्टोसिस मेलेनोसाइट का, जिसके कारण वो सेल मेलेनिन बनाने की क्षमता खो देते हैं। इसीलिए प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो सकता है। उसके बाद सिस्टीन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, जो कि मेलेनोसाइट के फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब कि ये बहुत ही ज़रूरी है आपकी बॉडी में मेलेनोसाइट को ढंग से फंक्शन करने के लिए। अगर इसकी कमी होगी बॉडी में सिस्टीन की, तो प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर आपकी बॉडी में हो सकता है। और सिस्टीन आपको मालूम होना चाहिए कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड है ग्लूटाथायोन के सिंथेसिस के लिए, एक रेट लिमिटिंग स्टेप है सिस्टीन। तो ग्लूटाथायोन बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ये इम्बैलेंस हो जाता है आपकी बॉडी में, प्रोऑक्सीडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट घट जाते हैं। तो सिस्टीन जो है ग्लूटाथायोन सिंथेसिस में मदद करता है, तो आपकी बॉडी में ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को बढ़ाएगा, तो प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की शिकायत कम होगी। प्रोऑक्सीडेंट का लेवल जब भी बॉडी में ज़्यादा होता है एंटीऑक्सीडेंट से, तो आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें से एक है प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर साइन हो सकता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके ये कॉमन एक पैथोजेनेसिस है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का। उसके बाद आता है कि न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। तो इंडिया में एक क्लिनिकल ट्रायल की गई थी और ये देखा गया था कि जिनमें प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर देखा गया है 25 साल से पहले, तो उनमें कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी निकल कर आई थी, जिसमें मुख्यतः थी वाइटामिन B12, वाइटामिन D3, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, जिंक और HDL कोलेस्ट्रॉल, इन सब की कमी थी जो भी उस स्टडी में पार्टिसिपेट किए थे जिनको प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की शिकायत थी। तो इसका मतलब है कि आपको एक हेल्दी डाइट कंज्यूम करना है, जिसमें विटामिन B12 हो, D3 हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, कॉपर हो, जिंक हो। और कॉपर जो होता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, जो कि अगेन एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, उसके जनरेशन में मदद करता है कॉपर, जिंक भी। तो ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट की एक्टिविटी को बॉडी में बढ़ाते हैं। फिर आता है HDL कोलेस्ट्रॉल। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स खाना बहुत ही आवश्यक है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 का एक वेल बैलेंस्ड डाइट आपको कंज्यूम करना ज़रूरी है। तो फैट से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, HDL कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़रूरी है प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को प्रिवेंट करने के लिए।
तो प्रीमैच्योर ग्रोइंग ऑफ हेयर को प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट कंज्यूम करना ज़रूरी है। उसके बाद है कि यूवी रेडिएशन जो होती है उसके कारण भी मेलेनोसाइट की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो जब भी आप बाहर जाते हैं तो अपने बालों को जितना हो सके हार्श कंडीशन से बचाएं, पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट और यूवी रेडिएशन से बचाएं। कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बहुत सारे प्रोटेक्टिव सीरम आते हैं, और एक बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कोकोनट ऑयल। एक सबसे मुफीद और सबसे अच्छा सनस्क्रीन आपके बालों के लिए जो है वो है कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं यूवी रेडिएशन से बचने के लिए।